खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां कोतवाली देहात और सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जी हां, आपको बता दें, ये लोकवाणी सेंटर का संचालन कर रहे थे और 1,500-200 रुपए लेकर ये फर्जी आधार कार्ड बना देते थे। शंका यह भी की जा रही है कि आने वाले चुनाव में ये गिरोह जो है इनका फर्जी आधार कार्ड बनाकर काफ़ी वोटों को भी प्रभावित कर सकता था। हालांकि अभी जांच का यह विषय है और मौके से जो इनके बरामद हुआ है 22 आधार कार्ड बनाने के मशीन, प्रिंटर, इन सब चीज़ों को पुलिस अपने साथ ले आई है। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच में अभी और कितने लोग हैं इसका पता नहीं चल पाया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। जनपद गोंडा में अपराधियों पे जो कार्रवाई हो रही थी उसी के तहत एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड वो बनाया करते थे और जनपद गोंडा में कई जगहों पे लगातार ये सक्रिय थे। इसमें से तो जो अभियुक्त हैं श्याम निषाद, सूरज मौर्य, जो नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोगों से पैसा प्राप्त करके आधार कार्ड फर्जी वो बनाते थे। लोकवाणी केंद्र बेसिकली ये चलाते थे जहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमाण पत्र बनाने को इनको मिला हुआ था, लेकिन उसी के आड़ में ये फर्जी आधार कार्ड बनाने लग गए। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे और इनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, 22 फर्जी जो आधार कार्ड वो बरामद किए गए हैं। ये लोगों से कुछ पैसों के लिए 500, 1,000, 1,500 जो भी रुपये मिल जाए वो प्राप्त करते थे और आपकी फ़ोटो लगा के नाम नंबर चेंज करके आपको ये आधार कार्ड फर्जी वो रिसीव करा देते थे। हमारी टीम को ये सूचना मिली थी और इसको कंफर्म करने के बाद में यहाँ छापेमारी की गई और इनके पास से रंगे हाथों इनको पकड़ा गया और इतनी चीज़ें, सामग्री बरामद हुई। और जनपद गोंडा में इस तरीके का अभियान लगातार चलते रहेगा जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट, खासकर आधार कार्ड वगैरह का निर्माण कर रहे हैं।